पूर्व विधायक मंत्री व निवर्तमान प्रदेश महामंत्री ललित भाटी को शहर कांग्रेस ने दी श्रद्धांजलि। केसरगंज बाबू मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर आयोजित की गई श्रद्धांजलि सभा। तनिष्क ज्वेलर्स अजमेर पहले से भी बेहतर सेफ्टी के गोल्ड स्टैंडर्ड्स के साथ तैयार है आपके आगमन के लिए। सुंदर आभूषण और बेहतरीन कलेक्शन के लिए आज ही अपॉइंटमेंट बुक करें। विजिट तनिष्क ज्वेलर्स इंडिया मोटर सर्कल अजमेर। राजस्थान सरकार में मंत्री रहे कांग्रेस के निवर्तमान प्रदेश महामंत्री ललित भाटी के आकस्मिक निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट सहित राजस्थान सरकार के तमाम मंत्रियों और नेताओं ने उन्हें अपनी गहरी संवेदना व्यक्त कर शोक जताया है। वहीं शुक्रवार सुबह 11 बजे से 12 बजे तक अजमेर शहर कांग्रेस की ओर से स्वर्गीय ललित भाटी को श्रद्धांजलि देने के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन केसरगंज बाबू मोहल्ला स्थित कांग्रेस कार्यालय पर किया गया। इस मौके पर निवर्तमान कांग्रेस शहर अध्यक्ष विजय जैन, शहर कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और आम जन ने ललित भाटी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। विजय जैन ने बताया कि ललित भाटी शहर कांग्रेस का वरिष्ठ व जाना माना नाम थे। उन्होंने जिले के साथ प्रदेश राजनीति में अपनी पैठ बनाकर रखी। ललित भाटी ने लंबे वक्त तक कांग्रेस में विभिन्न पदों पर काम किया। भाटी विधायक के साथ राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे। श्रद्धांजलि सभा में कोरोना नियमों की पालना करते हुए सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर भाटी को नमन किया। राजस्थान सरकार में पूर्व मंत्री रहे और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महामंत्री श्री ललित भाटी जी का अचानक जो देहांत हो गया, उससे हमारे पूरे ही कांग्रेस कमेटी के अंदर एक शोक की लहर छा गई। ललित भाटी जी एक कद्दावर नेता थे, अजमेर में ही नहीं अपितु उन्होंने राजस्थान के अंदर अपना एक नाम स्थापित किया था। चाहे विधानसभा में अजमेर के विकास की बात हो, चाहे जिला प्रशासन से बात हो, हमेशा अजमेर के विकास की बात के लिए भी उन्होंने अजमेर के लिए संघर्ष और लड़ाई की। उनका जिस तरह व्यक्तित्व था, जिस तरह उनको एक बोलने की उनकी शैली थी और जिस तरह उनको एक ज्ञान था, वास्तव में ललित भाटी जी की कमी जो कांग्रेस को हमेशा खलेगी। और उन्हें अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से यहाँ श्रद्धांजलि सभा रखी है, उसमें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उनके परिवारजनों को भगवान शक्ति प्रदान करे और उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान प्राप्त कराए, यही हमने यहाँ कामना की।